रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर केमिस्ट्री के जो चैप्टर वाइज गैस पेपर हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 4, 3, 4, 5, 6 एंड 8 हो चुका था। उसके अलावा कल मैं फुल बुक के जो लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो बता चुका हूँ आप लोगों को। फिजिक्स का जो फुल बुक का गैस पेपर है वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो आज ज़रा मैं हूँ तो जल्दी में, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस भी आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। तो चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस आप नोट कर लें, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी आगे की चीज़ें। गैस पेपर सीरीज़ चल रही है तो ये क्वेश्चंस तो आपने चैप्टर नंबर 13 से कर ही लेने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज जो है ना, आप मुझे साथ की साथ सुनते रहना, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी में लिखा है, शायद आपको मेरा लिखा ना समझ आए। अगर आप मुझे साथ की साथ सुनते जाएंगे तो फिर आपने नोट करते जाना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारे पास चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ पहला थैलिक एसिड, मेलानोइक एसिड, ऑक्सालिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। ठीक है, यानी कि चार फार्मूले हैं चैप्टर नंबर 13 से जो बार बार आते हैं। अच्छा, अगर ये फार्मूले आपको नहीं याद होते ना, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आपने मेरी वीडियो भी इस पर देख लेनी है। ये मैंने तो इस तरह से याद किए हुए हैं, ओ मियाँ सोंग और फिर उसके बाद गा, ओ मियाँ सोंग गा, यानी यहाँ से दो कार्बन वाला हमारे पास ओ से बन जाता है हमारे पास ऑक्सालिक एसिड, फिर एम से बन जाता है हमारे पास मेलानोइक एसिड, फिर एस से बन जाता है हमारे पास सक्सीनिक एसिड और जी से बन जाता है हमारे पास ग्लूटेरिक एसिड और ए से हमारे पास बन जाता है एडिपिक एसिड। इनके फार्मूलाज की जो डिस्कशन है वो आपको मेरा लेक्चर है एक हाइड्रोकार्बन्स पे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पे, तो उसमें मैंने ट्रिक बताई है, इसको और डिटेल में मैंने समझाया है, वो जाके आप लोगों ने देख लेना। शॉर्टकट बाहर हाल ही मैंने आपको अगेन बता दिए। तो ये पांच फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आते रहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना, थैलिक एसिड हो गया, टार्टारिक एसिड, मेलानोइक एसिड, ये आपने कर लेने, बहुत बार पेपर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रीपेयर हो सकता है, एक तो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। दूसरा, यहाँ से ऑक्सीडेटिव क्लीविज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स को अगर आप तोड़े तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रीपेयर होगा। ये दो प्रीपेरेशन मेथड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई मालिक्यूलर मैस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम्स डबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन है, अगर बेंजीन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डाल दो तो उनके मालिक्यूलर मैस डबल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि डाइमर बन जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म बताने। पहला रिएक्शन है एसिटिक एसिड एंड थायोनाइल क्लोराइड, जब एसिटिक एसिड और थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, उसका मैकेनिज्म लिख दे। दूसरा, एसिटिक एसिड एंड एथानोल, एसिटिक एसिड और एथानोल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, उसका भी मैकेनिज्म लिख दे, बहुत बार पेपर में आया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीपेयर अल्केन्स एंड अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन्स और अल्कोहल को प्रिपेयर करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ बाय रिएक्शन दैट इस दैट, अच्छा जी, प्रूफ बाय रिएक्शंस दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज टू प्रीपेयर एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड को बनाने में काम आता है। इस बात को आपने रिएक्शंस के जरिए प्रूव करना है, बनाकर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द मैकेनिज्म ऑफ अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन का आपने मैकेनिज्म बता देना है, या इसको इस तरह से पूछ लिया जाता है, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद अमोनिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं एस्टरीफिकेशन भी बता दूँ आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो दूसरा पार्ट है एसिटिक एसिड और एथानॉल का रिएक्शन, इसमें समटाइम वो ये भी कह रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरीफिकेशन, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है इसको एस्टरीफिकेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रीपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटिक एसिड को आप लोगों ने एसिटाइलिन से प्रीपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज विनीगर, विनीगर क्या होता है, हाउ इट इज प्रीपेयर फ्रॉम एथानॉल, इसको आप एथानॉल से कैसे प्रीपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के आपने कम से कम 4-5 यूजेज लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसीटोन, एसिटिक एसिड को आप एसीटोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 11 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 13 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाकी क्वेश्चन भी करें, लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर टाइम बचा तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 15 की वीडियो भी ले आऊँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।